इंटरनॅशनल लामाफेरा हिलिंग अँड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर व लामाफेरा फाउंडेशन यांच्या वतीने भारतातील सर्वात मोठ्या लामाफेरा हिलिंग मॉनेस्ट्रीमध्ये आज गुरुपौर्णिमा मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. लामाफेरा हिलिंग गुरु लामा डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला यांच्या हस्ते गुरूंच्या प्रतिमेचे पूजन करून उपस्थित अनुयायांना त्यांनी संबोधित केले. गुरु आपल्याला जे ज्ञान देतात त्याची आवश्यकता आजच्या काळात प्रत्येक जनमानसाला आहे. आज गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने लामाफेरा मॉनेस्ट्रीमध्ये सर्व अनुयायांनी बुद्धांना वंदन तर साईबाबा यांची महाआरती करून महाबोधी ध्यान लामाफेरा हिलिंग व महाप्रसादाचा लाभ घेतला. यावेळी अनाथांची माय पद्मश्री स्वर्गीय सिंधुताई सपकाळ यांच्या संस्थेला आर्थिक सहकार्य म्हणून लामाफेरा फाउंडेशनच्या वतीने रुपये 11,000 धनादेश संस्थेच्या विश्वस्तांना सुपूर्त करण्यात आला. आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा. जब हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की तो पहला शब्द आता है गुरु. गुरु दो शब्दों से बना होता है, गु और रू. गु का मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस, और रू का अर्थ होता है रिमूवर, जो से निकालता है. तो जब हम किसी के अंधेरे को निकाल कर उसके जीवन में उजाला लेकर आते हैं तब हम भी गुरु बन जाते हैं. तो गुरु पूर्णिमा का एक संकल्प आज के दिन हमें लेना चाहिए कि जितना भी समाज में अंधेरा का प्रसार हुआ है हम उसमें उजाला ला सकें. उदाहरण के तौर पे यदि आप अनाथ आश्रम में जाते हैं, किसी एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, एक बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाते हैं, किसी एक वृद्ध के जीवन में उजाला लाते हैं, तो आप गुरु को सचमुच प्रेम करते हैं, आप गुरु के निकट हैं और आप गुरु का ध्यान कर सकते हैं. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दो चीज मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ. यदि आप गुरु के निकट जाना चाहते हैं तो वो दो चीजें ही उसे आपसे चाहिए, एक दान और दूसरा ध्यान. दान मतलब कि आप जीवन किसी का अंधेरे में से उसे उजाले में लेके जाना, उसकी जवाबदारी लेना, समाज में परिवर्तन के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाना, उसे कहते हैं दान. और दूसरा होता है ध्यान. आप जब ध्यान करते हैं, अपने सांसों पर ध्यान रखते हैं, तो आपकी मुलाकात आपसे हो जाती है.